वहीं सचिन पायलट की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और जवाब दिया है, कहा है कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बावजूद उनकी ऐसी कौन सी नाराजगी है? जो भी नाराजगी है दिल्ली आलाकमान से चर्चा कर उसका हल निकालेंगे। ये सचिन पायलट की आखिर कौन सी नाराजगी है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, डिप्टी सीएम भी बनाया गया। किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। किस बात की नाराजगी? तो दिग्विजय सिंह ने तमाम अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं और अलग अलग मसलों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है और इसके अलावा उन्होंने युवाओं के मसले पर जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका नहीं देती, उमा भारती का बयान जो था उस पर भी पलटवार किया है कि सचिन पायलट को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, उसके बाद आखिर उन्हें कौन सी नाराजगी है? हम रुक करेंगे, विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, तमाम सवालों के जवाब दिग्विजय सिंह ने दिए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक, दिग्विजय सिंह मंझे हुए राजनेता हैं और जिस तरीके से राजस्थान में सियासी संकट है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया आई है और कहीं ना कहीं एक देखिए अब वरिष्ठ नेता जो है लगातार बयान दे रहे हैं, जिसमें हमने देखा चिदंबरम से लेकर कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, तमाम सारे नेता आ रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई है युवा वर्सेस बुजुर्ग पीढ़ी के बीच में है और इसी वजह से अब सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक फिर से विधायक दल की बैठक होने वाली है जिसमें सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक है उनको बुलाया गया है। इससे पहले उनके समर्थक विधायकों का होटल में रुकने वाला जो वीडियो है वो भी सामने आया। तो सचिन पायलट का ये कहना है कि जिस तरह से अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनकी विधायक दल की बैठक में 107 विधायक पहुंचे थे तो इसी वजह से ये वीडियो जारी किया गया। अब आज की जो बैठक है उसमें सुलह की कोशिश की जाएगी, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो कांग्रेस संगठन अब इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है और सुलझाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे विवाद को। सचिन पायलट जो है वो कई बातों पर अड़े हुए हैं, जैसे कि सीएम बनाने का और कुछ महत्वपूर्ण विभागों के लिए अड़े हुए हैं। तो ये तमाम सारा जो घटनाक्रम है तो आज हो सकता है कि इस पूरे मसले से एक साफ राजनीतिक तस्वीर सामने आ जाए कि क्या है राजस्थान में, आखिर क्या मनमुटाव खत्म हो जाएगा या फिर ये जो सियासी संकट है वो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद आपका विजय बातचीत के लिए।